और छोरो के हाल। तो आज अपन लोग दोबारा खेलने वाले हैं बैड बोर्स एंड वेल भैया, आज के एपिसोड में अपन लोग दोबारा करने वाले हैं मिथ बस्टिंग, क्योंकि वेल भैया जो अपना लास्ट मिथ बस्टिंग का एपिसोड था ना, मैं लिटरली भैया उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि वेल भैया मैंने तुमसे ऑलरेडी कह दिया था कि भाई पुराने मिथ मत देना, एंड तुम में से भैया 97% लोगों ने सिर्फ वही मिथ दिए जो मैंने ऑलरेडी कर लिए थे। मेरे को कसम से उनको छाटने में इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया ना कि फिर वीडियो में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं रहा। बट वेल आज ऐसा नहीं है, आज भैया तुम लोगों ने लिटरली तारीफ वाला काम किया है, क्योंकि आज भैया ऑलमोस्ट सभी ने न्यू एंड डिफरेंट मिथ दिए हैं और क्रिएटिव वाले भी, जिनको पढ़ने के बाद मैं भैया लिटरली उनको करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। बट फिलहाल के लिए आप सभी का कीमती वक्त ज्यादा बर्बाद न करते हुए चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। ऑलराइट, तो वेल आज की चिल्लम चिल्ली स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम अपन लोग बात कर लेते हैं लास्ट एपिसोड की। जी हाँ, एज यूजुअल वही तुम लोगों के डाउट्स है ना। हाँ तो भैया तुम में से काफी लोग ये कह रहे थे कि भैया जो तुमने लास्ट मिथ बस्टिंग के एपिसोड में जो लास्ट मिथ किया था ना, वो तूने गलत किया था। भैया तुम में से ऑलमोस्ट है ना 95% लोग यही कह रहे थे कि तूने वो गलत किया था, और कोई भी ये नहीं कह रहा था कि भैया मिथ ही गलत था। हाँ मतलब भाई मैं बताता हूँ, उस जो जिसने मेरे को मिथ दिया था उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं डायमंड स्पॉनर पर डायमंड फेंकूंगा ना, तो वो डायमंड डुप्लीकेट हो जाएगा, एंड एक्चुअली वो ऐसा था ही नहीं मिथ। क्या तुमने मुझे बाद में काफी लोगों ने बताया, एक आधे लोगों ने सही करके, कि तू अगर डायमंड उसमें फेंकेगा तो डायमंड मतलब लिमिटलेस आने लग जाएंगे उसपे। जी हाँ मतलब मिथ गलत बताया गया था मेरे को, ठीक है। अब भाई जब मेरे को मिथ ही गलत बताया जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। बट वेल फिर हाँ, उसके अलावा भैया एक बात और है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वेल तुम जैसा देख सकते हो टाइम अभी है ना 3:02। हाँ मतलब मेरे हराम खोर पड़ोसी साले भैया लिटरली इतनी लाउड स्पीकर पे मतलब म्यूजिक बजा रखा है ना सालों ने, मतलब ना उनके घर में शादी ना बर्थडे ना कछू, हरामी पहले ना चैन से सो रहे हैं ना दूसरों को सोन दे रहे हैं। तो वेल अब मेरे को देखो ऐसा है ना, मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं, मेरे पास टाइम ना है, ठीक है। मेरे को 4 बजे तक ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद एडिट भी करनी है कल जो वीडियो आएगी, मतलब समझ रहे हो ना, कल जो ओबी रनर वाली वीडियो ब्लॉकमैन गो का न्यू गेम जो तुमने देख ली होगी ऑलरेडी, है ना। मैं सही कह रहा हूँ, मेरा दिमाग चल चुका है इस टाइम, है ना। तो हाँ मतलब आज मैं ज्यादा मिथ कवर नहीं कर पाऊंगा, तो हाँ मैंने चूज काफी सारे मिथ किए थे, बट आज मैं सिर्फ कम ही मिथ्स को कर पाऊंगा, वेल ड्यू टू दिस रीजन। तो वेल डोंट वरी, तुम लोग अभी भी कम्युनिटी पोस्ट वहीं पे है, तुम वहां पे जाके अपने मिथ सबमिट कर सकते हो। मैं 1-2 दिन में एक और एपिसोड बना दूंगा, उसमें वो बाकी के मिथ अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। एंड अभी के लिए बात कर लेते हैं आज के अपने पहले मिथ की। तो वेल अपने पहले मिथ के अकॉर्डिंगली अगर अपन लोग भैया क्रिटिकल रन्स को लगा लेंगे तो अपना क्रिटिकल डैमेज अपने को मिलेगा, देन अपना डैमेज अपने को नॉर्मल से ज्यादा होगा अपनी सोर्ड का, ठीक है। मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्ट्राइक रन होते हैं ना, जब तुम उनको असेंबल कर लेते हो तो तुम्हारी जो तुम एनिमी को डैमेज देते हो उसका क्रिटिकल हिट होते हैं ना, उसका डैमेज ज्यादा मिलता है तुम्हें, ठीक है। तो वेल वैसे ही यार गेम्स में काम करता है, तो आई गेस लेट्स सी है ना। मैंने ऑलरेडी क्रिटिकल रन्स हटा रखे हैं, तो पहले तो अपन क्रिटिकल रन्स के साथ खेल लेते, सॉरी स्ट्राइक रन्स के साथ खेल लेते, देन अपन जाएंगे और जाकर इस गेम को एग्जिट करके एंड अनदर गेम स्टार्ट करेंगे, और उसमें बिना क्रिटिकल सॉरी स्ट्राइक रन्स के खेलेंगे। कसम से कह रहा हूँ, मेरे इतने हरामी पड़ोसी है ना भाई, मतलब कसम से भैया खून खोल उठता है कतई, मतलब कहाँ बताऊँ। अभी ये आ जाते हैं अपन यहाँ पर, येलो टीम है या ब्लू टीम है ये, आई डोंट नो, वाह जो भी टीम हो मुझे कहा। हाँ भाई रे लाला, मेरे पास लीचिंग नहीं है, मेरे पास लीचिंग नहीं है, मैं भूल गया। बहुत अच्छी है, नाउ व्हाट। वेल मैंने उसका डैमेज सही से देखा नहीं था एक्चुअली, उसकी हेल्थ 26 थी, 21 हो गई। ये इस तरह तो नहीं होने वाला। वेल बट लेट्स डू इट अगेन। मैं बताऊं इस काम के लिए मेरे को भैया एक शांत स्वभाव का बंदा चाहिए, जो ज्यादा ना उचल कूद ना कर रहा हो इस बंदे की तरह। ये तो भावरा हुआ पड़ा था, भांके नशे में था छोरा। वेल आई गेस मेरे को वो मिल चुका है, आई गेस वो मुझे मिल चुका है।
यार ये लोग तो मेरे फेवरेट काम कर रहे हैं यार। ये कौन? अबे मत लिपटो यार जबरदस्ती मेरे, आई डोंट वांट इट। साला यार एक तो रैंक बोर्ड के चक्कर में पूरे गेम का सत्यानाश कर रखा है आरामखोरों ने। भैया तुमसे बता रहा हूँ मेरे को ना उन नरबक्सियों से ज्यादा गुस्सा तो मेरे नेबर्स पे आ रहा है भैया। लिटरली रात के 3 बजवा दिया आरामखोरों ने, इस वजह से मैं किसी अपने भाई बंधु को भी नहीं बुला सकता। मैंने सोचा भैया वो गेम एग्जिट करके मैं एक प्राइवेट पार्टी बनाऊंगा और उसमें भैया ये वाला मिथ ट्राई करूंगा, क्योंकि अपने को नो रन बंदा चाहिए ताकि उसमें अपन डैमेज काउंटर कर सके। ओके बट भाई इतनी रात को कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आई डोंट थिंक कि अपन ये वाला आज ट्राई करेंगे। बट वेल ऐसा नहीं है इसको अपन ट्राई नहीं करेंगे, मैं इसको बाद में कभी ट्राई कर लूंगा जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसमें। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता दूंगा कि ये मिथ कंफर्म है बस्टेड है, राइट। अब ये ले आगे बढ़ लेते हैं अपन अपने अगले मिथ की तरफ। तो वेल भैया इस वाले मिथ के अकॉर्डिंगली अगर अपनी हेल्थ कम है एंड अपन भैया ड्रैगन रोल यूज करते हैं तो अपना क्या बोले उसको बेनिफिट मिलेगा, अपनी जो हेल्थ होगी वो पूरी हो जाएगी फुल चार्ज। अब वेल भैया मिथ में तो यही लिख रहा है, लेट्स सी ये काम करेगा या नहीं। ओके एंड या इसके लिए पूरा सामान सट्टा मेरे पास है ऑलरेडी। येलो टीम हमारी नहीं है राइट, है ना? आओ ओके ब्रदर सॉरी मैं तेरे पास नहीं आऊंगा क्योंकि मैं एक्चुअली ये क्या कर रहा हूँ ये पड़ोसी हमसे मिलने आया है तो इसका जरा इलाज कर दें हैं। ओके ब्रदर तू पछताएगा इसके लिए अब तू ओ मैंने अपनी आउच बहुत अच्छे। आई डोंट थिंक मैं अब इसको दोबारा यूज कर पाऊंगा। ब्रदर छोड़ दे पीछा, नहीं पकड़ रहा तू मेरे को, नहीं आ रहा मैं तेरे हाथ। मैंने आर्मर वगैरह कुछ नहीं लिया, सोर्ड भी नहीं है मेरे पास और वो लकड़ बग्गा पूरा तैयार होके आया है। ग्रेट ये क्या अब ओके ओके अब अपन इसको ट्राई कर सकते हैं। यस नाउ वी कैन ट्राई दिस, है ना? ट्राई ओके ट्राई बहुत अच्छे या कतई ग्रेट। भैया कसम से तुम लोग ना आइडिया भी नहीं लगा सकते कि इस टाइम में कितने हैवी प्रेशर में हूं इस वीडियो को बनाने के चक्कर में। टाइम का प्रेशर अलग है और मेरे बाप के जाने का अलग, मतलब भाई चारों तरफ से बजी पड़ी है मेरी एंड मेरे को ये वीडियो कंप्लीट करनी है हर कंडीशन में। हाँ उस चक्कर में ऐसे नशेड़ियों वाली हरकत हो सकती थी, मुझे पता है मेरे पास यहाँ पर गोल्ड है, मैं आराम से अपने लिए बैप पर ले सकता था बट कौन कह रहा फट गई थी भूल गया था। हाँ भूल गया था यही हाँ तुम्हें यही सोचना है। हाँ बिल्कुल ऑलराइट नेवर माइंड, इसको अपन आप कंटिन्यू कर लेते हैं ठीक है। तो अपने को सबसे पहले चाहिए थोड़ा सा डैमेज। ओके अब डैमेज कहाँ? वाह मे बी मतलब लकड़ बग्गा ही न्यू ईट है ना। ठीक है तो मैं एक्चुअली एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से मैं थोड़े से ये बाय कर लेता हूँ। मुझे पता है गोल्ड वेस्ट किया है मैंने बट नेवर माइंड, इसके लिए कुछ भी ठीक है। हाँ एक्सपेरिमेंट के लिए गाइस एनीथिंग। ओके तो अपने को जस्ट सिंपली थोड़ा सा डैमेज चाहिए ताकि अपन ये मिथ ट्राई कर सके एंड मैं काफी हाइट पे हूं, मैं कहीं भगवान के पास ही ना पहुंच जाऊं, है ना? एटलीस्ट ओके ओके तो मेरे पास अब 8 HP है ठीक है एंड मैं एक्चुअली इसको अंदर रख लेता हूं क्योंकि मैं वापस उड़ के ऊपर आ जाऊंगा मुझे पता है ठीक है। तो मतलब अपने को जस्ट सिंपली खाई के अंदर कूद जाना है, ड्रैगन स्क्रॉल को एक्टिव। व्हाट क्या हो रहा है मेरे साथ आज? साला किस मनुष्य घड़ी में यार ये वीडियो रिकॉर्ड करने आया हूं मैं आज। भैया मैं बता रहा हूं आज ये पूरी कायनात है ना मेरी वीडियो बनाने के खिलाफ है। नहीं क्या हो रहा है भैया ये गेम के, भाई कसम से कह रहा हूं ये गेम के नशे ना मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं। भाई तूने देखा था ना मैंने क्लियरली भैया ड्रैगन स्क्रॉल एक्टिवेट कर दिया था, मेरा ड्रैगन आ गया था। मतलब भाई गेम के ही अपने नशे हो रहे हैं मैं क्या बोलूं। ठीक है फिर भी मतलब या मैंने सोचा है ना करेंगे तो मतलब आज होएगा ये ठीक है, हर कंडीशन में होगा चाहे जो हो जाए। यार एक तो रैंक मोड का मेरे को लिटरली ये सीन बहुत बुरा लगता है यार, मतलब ये लोग मतलब नर बक्सी से मतलब मानते ही नहीं है यार। ओके 7 ठीक है 7 HP है अपनी, 8 है ओके 8 है, मैंने हीलिंग रन हटाना भूल गया क्या, नेवर माइंड। ओके तो अब कूदते हैं और यहीं पे एक्टिवेट कर लेते हैं। अरे आओ ससुरो कहाँ भाग रहे हो, आओ गाइस आओ तुम लोगों को मैं फाइट करवाऊं। साले भूतनी के भूखे नंगे भेड़िए कहीं के।
मैं ब्रिज पे मार दूंगा सबको, इवन वहां मेरी खुद की टीम हो, आई डोंट केयर, ठीक है? या आई लिटरली डोंट केयर। यस बॉयज, यस, अपन बहुत सारी किल्स लेंगे। ओ आओ गाइस, आओ नरक की यात्रा पे जाओ। इवन इसके चक्कर में मेरा बंदा भी निकल लिया, बट या एज आई टोल्ड यू आई डोंट केयर, ओके? हाँ, ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मेरा ड्रैगन बहुत ही जल्दी ओवर होने वाला है, तो एक्चुअली मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ जाते हैं इस पेड़ के ऊपर आई गेस, एंड वहाँ लिख रहा है खून का प्यासा किल मटसन, आई डोंट थिंक ये वो रियल है। हाँ, रीजन अपडेट या फिर हो सकता है, नाम तो भैया बिल्कुल सेम है, ना कोई स्पेस, ना कोई कोमा, ना कुछ एक्सेट्रा। आई एम नॉट श्योर, वेल जो भी हो मुझे कहा, एंड वेल मिथ बस्टेड, ठीक है? हाँ, मुझे पता है पहले अपनी एचपी 10 थी एंड अब 9 है, 8 थी एक्चुअली, एंड अब दोबारा से 10 हो चुकी है, बट वेल अकॉर्डिंग टू मिथ भैया अपनी एचपी फुल 20 हो जानी चाहिए थी, और मेरे पास तो भैया हेल्थ रिजनरेशन का रन भी था, तुम देख सकते हो धीरे धीरे मेरी हेल्थ रिजनरेट हो रही है, बट मेरी तब भी नहीं हुई, इसका मतलब तो या क्लियर है मिथ बस्टेड। खैर, आ जाते हैं अपने अगले मिथ की तरफ। तो वेल भैया, अपने अगले मिथ के अकॉर्डिंगली अगर अपन लोग स्पंज के ऊपर, जैसे अपन वाटर के ऊपर फायर लगाकर जाते हैं, मतलब मिथ मेरे सही से पल्ले नहीं पड़ा, बट वेल मैं दोनों ही तरीके अपना लूंगा, ठीक है? एक तो मैं आग लगा लूंगा, दूसरा मैं वेल वो लोग हमारा बैट तोड़ चुके हैं, आई डोंट केयर, क्योंकि उनका खुद का बैट टूटा हुआ है, वो लोग लकड़ बग्गे नीचे भटकने लग रहे हैं। वेल गाइस, यू कैन कैरी ऑन, है ना, मैं तुम लोगों के बीच में नहीं बोलूंगा, मैं अपना काम करूंगा शांति से, ठीक है? हाँ, तो वेल अकॉर्डिंग टू मिथ अपने को ये मरना ही चाहता है। हाँ, ये मरना ही चाहता है। ओह ग्रेट, इसकी मरने की इच्छा पूरी कर देते हैं एक्चुअली, है ना? हाँ भाई, खेलेगा? चला तेरे साथ खेलता। ओह वेल एक्चुअली आओ 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 वाओ ग्रेट बैट, भाई तुम्हारी ये थोड़ा तो कते मतलब पूरा निंजा बन के डोल रहा है बे। ओके ब्रदर, हाई क्लच मारूंगा तेरे ऊपर, ससुरे रुक जा। कुछ ज्यादा ही ऊपर चला गया मैं इवन, बट नो वरी, एंड उसको मारने के चक्कर में मैं इतना दूर आ गया हूँ, बाय ब्रो। ओ भैया, तुम कुत्ते की पूंछ को अगर पाइप में डाल दो तो वो शायद से सीधी हो जाए, बट मेरी आदतों से मैं भैया जिंदगी में बास ना आऊंगा। मतलब मेरे को जरूरत क्या थी भैया, आदत ही बेकार है मेरी, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, मिथ करने बैठा हूँ और या फालतू में पंगे करने बैठ जाता हूँ। खैर इग्नोर इट, ओके, आ जाते हैं अपने उसी मिथ को कंटिन्यू करने की तरफ, है ना? एंड एक्चुअली इसको मैं अंदर रख लेता हूँ, आई डोंट नीड इसकी, है ना, अभी के लिए तो। एंड वेल अभी मैं पहले ले लेता हूँ यहाँ से स्पंज, ओके, चार इज इनफ, है ना? एंड अब मेरे को जस्ट कहीं पे आग लगानी है, वेल ये ओके, एटलीस्ट आग लग चुकी है, ये स्पंज में यहाँ रख देता हूँ, ये अपन ने आग लगा ली, एंड कुछ तो हुआ था एक्चुअली, है ना? ये आराम के पिल्ले मेरे को मेरा काम ना करने देंगे चैन से कतई भी, या व्हाई नॉट, आई जस्ट डू दिस। ग्रेट, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अरे मैंने क्या पाप किया है बे, सारा जो होता है मेरे साथ हो रहा है। ग्रेट, ओके नेवर माइंड, मैं यहाँ से थोड़े से ब्लॉक्स बाय कर लेता हूँ, एंड इस जगह को ब्लॉक से फिल अप कर दो, देन यहाँ पर अपन बॉम्ब फोड़ेंगे तो आई गेस आग लग जाएगी शायद। यस, या व्हाई नॉट, ओके बिल्कुल, ओके सो अपने को जस्ट सिंपली यहाँ खड़ा हो जाना है, एंड इंस्टेंटली कम हियर। डैमेज तो मिल रहा है, बखूबी मिल रहा है एक्चुअली, है ना? हाँ ओके, तो ब्रोदर ने एक बार यूज किया वर्ल्ड बम्पिंग, राइट? तो वो भी ट्राई कर लेते हैं, इसके ऊपर बैठ के बम फोड़ लेते हैं, क्या पता ये वेल बकायदा जिंदा डैमेज मिला है अपने को, ठीक है? पूरा साबुत का साबुत डैमेज मिला है, तो जी हाँ मिथ बस्टेड। भैया कसम से बता रहा हूँ, ऐसे नशे ना सिर्फ ब्लॉकमैन को में ही देखने को मिलेंगे तुम्हें, इसी जगह पर रह रहे हैं ये नशे, मतलब क्या बोलूं यार। एक तो भैया पहले ही नेबर्स ने मेरा खून चूस रखा है, एंड ऊपर से भैया ये रैंक मोड, रात के 3 बजे भैया जब तुम गेम स्टार्ट करोगे ना, 5-10 मिनट तो आराम से लग जाते हैं तुम्हारे,
एंड उसके अलावा जब ऊपर से ये नशे होते हैं ना, कसम से कह रहा हूँ बहुत गुस्सा आता है। मैं लिटरली मोबाइल को ना निंजा स्टार बना के छत पे फेंक देने का मन हो रहा है। बट उसके बाद मेरा क्या हाल होगा मुझे पता है ना, मतलब या बैट, चाटे, चप्पल, जी हाँ ये सारी बातें सोचनी पड़ती है। मतलब ऐसे ही मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक, मतलब भाई तू क्या चाह रहा है जिंदगी से, पहले जिंदगी ना कोई ये बाबा भांग पी क्या है ये छोरा ब्रदर, मतलब तेरा टीएनटी मेरे पे कोई असर नहीं कर रहा, ऊपर से तू ही बाबड़ों की तरह असर है। मतलब क्या बोलू, माता भर गई छोरे के अंदर। खैर अभी के लिए इन बावड़े प्राणियों को इग्नोर कर देते हैं और आ जाते हैं अपने अगले मैच की तरफ। तो वाल भैया अपने अगले मिथ के अकॉर्डिंगली, मतलब माँ कसम यार ये होता है ना जब बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होती है, कसम से कह रहा हूँ। ठीक है वाल, एक्चुअली अपना अगला मिथ इसी के अकॉर्डिंगली है कुछ, ठीक है मैं एक बार बता देता हूँ तुम लोगों को। ठीक है तो वाल इस मिथ के अकॉर्डिंगली अगर अपन एक रनिंग गेम को क्विट कर देंगे ना, मतलब एग्जिट नहीं करना, क्विट कर देना, लाइक जैसे ये अभी नेटवर्क अवेंडेड बताकर हुआ ना, ऐसे कुछ करके मतलब जैसे अपन हट जाएंगे गेम में से, एंड अगर अपन दोबारा रिजॉइन करेंगे तो अपन वहीं पे आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस मिथ, है ना। वेल लेट्स हैव अ लुक कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, है ना। मैं कोई भी भैया यहाँ पर कट सीन नहीं ऐड करूंगा, जब इस बात में तुम ये कहते डोलोगे कि भैया तूने मतलब है ना ऐसा कछु ना हुआ था, तूने मतलब कोई दूसरा गेम ज्वाइन कर लिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मैं यहीं पे करके देख लेता हूँ। ठीक है हाँ जी, तो या इट्स वर्किंग ओके। सो ओके ओ वाओ नाइस, एक मिनट हाँ तुम देख सकते हो पहले अपने को लकी ड्रॉ का ट्राई में ये वुडन ओक मिला था, एंड सेकंड में अपने को ये मिल गया। हाँ बापक बाबी बोई बाबी, अबे कौन सा नशेड़ी बच्चा आ गया गेम में भाई। वेल हाँ ये वही वाला मैच है जी, हाँ ये वही मैच है, ये बाबड़ा बालक वापस आ गया, तू गया नहीं था, वाओ ग्रेट। खैर इस बच्चे को तो अपने कतई इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड वेल उसके अलावा भैया मिथ कंफर्म है, एंड वेल अब बात कर लेते हैं अपने अगले मिथ की। तो वेल भैया अपने अगले मिथ के अकॉर्डिंगली अगर अपन लोग ड्रैगन स्क्रोल का इस्तेमाल करेंगे तो अपन ऑब्सीडियन को भी ब्रेक कर सकते हैं। जी हाँ तुम्हें पता होगा ऑब्सीडियन को अपन सिर्फ डायमंड पिकैक्स से ही तोड़ सकते हैं, अदरवाइज किसी और चीज से नहीं तोड़ सकते, ना तो TNT से तोड़ सकते हैं और बॉम्ब से तो एंडर स्टोन ही नहीं टूटता, ये तो क्या ही टूटेगा, मतलब हाँ मेरे कहने का यूं ही मतलब है। ठीक है तो वेल या मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, लिटरली आंख मूंद के इस्तेमाल कर सकता हूँ इतने पड़े हैं। ठीक है तो मैं अपने बैड को कवर कर देता हूँ, इवन इससे क्या होगा हु नोस, बट मतलब या बाद में फिर कहते डोल हो गया कि भैया ये गड्ढा रह गया वो गड्ढा रह गया इधर से टूट गया उधर से टूट गया, मतलब या भैया तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कोई भी चीज अगर ट्राई करता है तो कहते एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके करता है। ठीक है हाँ, और इसको मैं अभी बीच में खोल दूंगा, मैंने अभी अभी हो चुका है मेरे साथ एक बार। ठीक है वेल मैं उसको मारने के मूड में था नहीं एक्चुअली, है ना, निशाना नहीं लगा, तुम ये भी कह सकते हो। ओ वेल जो भी हो, एंड या तुम कह सकते हो ऑब्सीडियन नहीं टूटा। ठीक है हाँ ऑब्सीडियन नहीं टूटा, ओके मैं सब तरीके से आजमा लेता हूँ, इसके अंदर घुस के भी इसमें दे लेते हैं एक आधी, मतलब उसमें लिख रहा था तो या इट विल नॉट वर्क। ओके मैं एक बार नीचे से जाकर दे लेता हूँ, आई डोंट वांट टू लिव, सो ओके ओहो बिल्कुल या ग्रेट योर ड्रैगन राइडिंग इज अबाउट टू बी एंडेड। ओके मैं ऊपर चला जाता हूँ क्योंकि और भी तो मित्र ट्राई करने ना बॉयस। हाँ ये कभी परफेक्ट लैंडिंग ना ही है फिट हो गया इसके अंदर ही ग्रेट नाइस ऑलराइट। तो वेल अब आगे बढ़ लेते हैं अपने अगले मित की तरफ। तो वेल भैया अपने अगले मित के अकॉर्डिंगली
अपन लोग भैया जो भी चाहे वो चीज डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसके लिए अपने को जस्ट सिंपली एंडर चेस्ट चाहिए एंड उसके अंदर जो भी सामान अपने को डुप्लीकेट करना है वो इसके अंदर पटक देना है लाइक दिस। एक्चुअली मैं ये भी पटक देता हूँ वेल क्योंकि अपने को अब बोर्ड में कूदना है एंड अगर बाय लक में मर जाता हूँ तो ये एटलीस्ट मेरा सामान सलामत रहेगा। हाँ, जिसकी मेरे पास लिटरली कमी नहीं है बट या बॉयस भूखे नंगे खानदान या एटलीस्ट यस बिल्कुल ओके। तो अब अपने को जस्ट सिंपली यहाँ से जाकर बॉयड के अंदर कूद जाना है एंड गेम को मिनिमाइज कर देना है एंड देन भैया दोबारा से गेम के अंदर आ जाना है एंड ब्लॉकमैन ये लिटरली ये बहुत ही इरिटेटिंग चीज है भैया मतलब क्या बोलू ओके। देन अपने दोबारा से भैया गेम ज्वाइन कर लेना है एंड अकॉर्डिंग टू मिथ भैया अपनी जो अपन का सामान गया था ना वो अपने एंडर चेस्ट में भी होगा और अपने पास भी होगा। मिथ के अकॉर्डिंगली तो ऐसा ही होना चाहिए ठीक है। ठीक है ये वही वाली लॉबी है तुम देख सकते हो दोनों चीजें अपन ने बाय की थी है ना। हाँ जी एंड वेल सामान मिलना तो छोड़ो मेरा खुद का जो सामान था वो भी चला गया मतलब व्हाट हैपनिंग हियर। हाँ येलो का लौंडा जबरदस्ती कर रहा है हमारे चोरों के साथ ओके। एटलीस्ट मेरा सामान यहाँ पे सलामत है वेल वही बहुत है अभी के लिए तो है ना। एंड हाँ तुम कह सकते हो ये मिथ वर्क नहीं किया। हाँ मतलब हाँ अपन ने बोर्ड में कूदते हुए ही किया था तो यस मिथ बस्टेड। ऑलराइट तो वेल आगे बढ़ते हैं अपने अगले मिथ की तरफ। तो वेल भैया अपने इस वाले मिथ के अकॉर्डिंगली अगर अपने पास भैया 200 हो एंड अपन उन दोनों पर सेम टाइम पे क्लिक करें एंड देन अपने एनिमी को मारे ना तो भैया उसे डबल सोर्ड का डैमेज मिलेगा। वेल मिथ के अकॉर्डिंगली तो यही होना चाहिए ठीक है। वेल ट्राई करते हैं ये होगा या नहीं होगा है ना। एंड मैं भैया दोनों ही सोर्ड अपनी गोल्डन सोर्ड लूंगा या अगर डबल डैमेज मिलना है तो भैया गोल्डन सोर्ड का डैमेज देंगे ना मतलब या एक ही बारी में ससुरे के प्राण कट जाए ऐसा हमला करूंगा मेरे तो क्रिटिकल इट वाओ वेट ओके। सो एज यू कैन सी मैं भैया दोनों ही सोर्ड पे एक साथ क्लिक कर रहा हूँ है ना। हाँ एक साथ हुआ ओके ब्रो 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 चिलमार रे चिलमार वाओ वेट। भैया मैं कभी कभी लिटरली ये सोचता हूँ कि भगवान ने ऐसे कमीने लोग मेरी ही जिंदगी में लिखे हैं का साले को चाहिए क्या था यार रैंक मोड के चक्कर में भैया गेम का सर्वनाश कर रखा सालों ने कतई। खैर क्या करें ठीक है इसको दोबारा ट्राई करते हैं दोनों स्वॉर्ड ले लेता हूँ एंड आर्मर ले लेता हूँ इवन मरना तो है ही है मुझे बट फिर भी ले लेता हूँ आत्मा की संतुष्टि वेरी वेरी नेसेसरी बॉयज ओके। हाँ जी हाँ मुझे पता है मैं एक्चुअली गोल्डन आर्मर ले सकता था मेरे पास पूरा मटेरियल है बट डोंट आस्क मी ओके डोंट आस्क मी बिल्कुल ठीक है नेवर माइंड ओके आने दो किसी को ओके उसके पास तो मैं कतई नहीं जाने वाला साला डायमंड आर्मर वेल वेल डायमंड आर्मर कहाँ से पहन के आ गया वियर्ड एक्चुअली वियर्ड ओके ओके। एज यू कैन सी मैं दोनों ही पे सेम टाइम पे क्लिक कर रहा हूँ है ना। एज यू कैन सी इक्वल कतई बैंकर कते फुल एंड फास्ट एंड फ्यूरियस कते ऑडिशन में ही दूंगा गाइस है ना। हाँ तो वेल अब अपन रेडी है जाने के लिए एंड आई गेस मेरा एनिमी सिंगल हिट में मर जाना चाहिए ठीक है। दोबारा कर लेता हूँ तुम कहोगे ब्लॉक चेंज किया तूने इसलिए तेरा वो काम नहीं किया है ना। हाँ मैं जानता हूँ भैया होता है ऐसा भी होता है ओके वी आर ओए ओ चचा रुक जा मार ले एक आदि ओ भाई से उस पर नहीं वेल देखो उसकी हेल्थ 22 थी देन उसकी 15 हो गई यानी 10 पर ये क्रिटिकल डैमेज भी हो सकता था ओके। हाँ मुझे पता था वो मेरा ही बंदा है क्या तुमने सोचा मुझे पता नहीं है मजाक कर रहे हो क्या अरे वीडियो में कभी कभार तो मजाक कर ले दो यार ओके फाइन नहीं पता था भाई ठीक है ओके। इस बार अपन दो हाँ मेरा ही बंदा है ओके तो दो गोल्डन सोर्ड सेम टाइम क्लिक एंड लेट्स गो एंड उसकी हेल्थ 17 है आप तू ही मरे। मैं कसम से कह रहा हूँ मैं आज कुछ भाई मैं कसम से कह रहा हूँ मेरा ना मतलब बीपी हाई हो जाएगा आज। ऑब्सीडियन ही आने दो मैं बहुत रईस बंदा हूँ या ऑब्सीडियन का ब्रीजिंग बनाएंगे बॉयस ओके ऑब्सीडियन की ब्रीजिंग होगी या तो
चलते हैं ऊपर दोबारा से एंड दोबारा ढूंढो उनको। डबल क्लिक एक्सेट्रा जो भी है चलने दो। ओके इनफ आई गेस। ओके मिड एयर में जंप। व्हाट मान जा भाई यार, एक तो कसम से इन हरामियों ने जीना। वेल नहीं 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 हुआ नहीं हुआ। 7 से उसकी हेल्थ 3 हुई थी, ठीक है। क्रिटिकल डैमेज लगा होगा बट इस बार नहीं लगा। तो यस आई कैन क्लियरली से बस्टेड है, ठीक है। आ जाते हैं अपने अगले मिथ की तरफ। तो वेल भैया अपने इस वाले मिथ के अकॉर्डिंगली अगर अपन टॉर्च के आजू बाजू कहीं पे भी क्या बोले सोए आप ब्लॉक प्लेस करेंगे ना तो टॉर्च टूट जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस मिथ। ओके लेट मी गो प्लीज। पम्पकिन देन जंप। ओके अंदर आ चुके हैं अपन एंड हियर आई क्लिक। नथिंग हैपेंड अगेन। ओके क्या ये टूटा? ऑब्वियसली ठीक है ये ना टूटा। तो लेट्स ट्राई हियर, है ना। हाँ क्योंकि लिली पैड टूटते हैं इस तरह। तो जी हाँ मुझे लगा कि ये भी टूट ही जाएगा, ठीक है। बट वेल 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 ऐसा कछु नहीं है, ये नहीं टूटा, ये नहीं टूटा। इसके ऊपर भी रख के देख लू एक बार। ऊपर रखा नहीं था, है ना। हाँ हाँ नाउ आई कैन क्लियरली से ये मिथ बस्टेड है। ओके एंड वेल उसके अलावा मैंने अभी अभी नोटिस किया मेरा जो न्यू पैट है, हाँ ये पम्पकिन मैन, ये ओपन हो चुका है जिसको मैंने अभी तक ट्राई तक नहीं किया। मैं हूँ एक्चुअली अखंड बाबड़ा बट यार यू कैन इग्नोर इट। ओके एंड वेल भैया जब ये अनलॉक हो ही गया है तो एक नज़र इस पे मार ही लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। वेल मेरे को एक्चुअली सही कहूँ ना, ये पर्पल और पिंक कलर का जो ये होता है ना कॉम्बो टाइप का, ये कलर लिटरली मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। मेरा फेवरेट कलर एक्चुअली ये, हाँ तुम कह सकते हो पर्पल पिंक का जो ये कॉम्बो कलर है ये मेरा फेवरेट कलर है। हाँ तो या आई लाइक इट, एक्चुअली आई लाइक इट, ठीक है। वाइल्ड खैर जो भी हो, मेन बात यह है भैया आज के मिथ बस यही तक, ठीक है। टाइम हो चुका है या ये मेन बात ये टाइम हो चुका है। मिथ मैंने ज़्यादा पिक किए थे बट कर कम रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। बट वेल टेंशन की बात ना है, एक दो दिन बाद एक और मिथ बस्टिंग वीडियो आएगी उसमें कवर कर लेंगे इन सबको, ठीक है। बट वेल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम सभी को आज के एपिसोड में मजा आया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले एंड मिलते हैं जल्दी एक और न्यू एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट।